एक्सरसाइज 2.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और उसके बाद में क्या करना है, इसके कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, है ना, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो फाइंड करना है। तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले एट का ना इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा, एट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके जगह पे आपको क्या करना है, ये जो माइनस 2x यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है ना, 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या करोगे बेटा, कॉमन लोगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब x माइनस 4 और x प्लस 2 को अब जीरो से कंपेयर करना है, x माइनस 4 और x प्लस 2 से आपको क्या करना है बेटा, जीरो से कंपेयर करना है। तो x माइनस 4 को पहले जीरो से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर गया तो प्लस, और x प्लस 2 है इज इक्वल टू जीरो, तो ये प्लस है, इसका जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का, कोफिशिएंट्स के बीच का आपको क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, ये क्या होगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और एक बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी बाई ए, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है ना, अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 होगी। ठीक है, तो माइनस 2 और माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू अपने को यहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है, इस इक्वेशन से लेना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो जो एक्स स्क्वेयर है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो अपन 1 लेते हैं, तो ए की वैल्यू हो गई 1 और बी की वैल्यू हो गई माइनस 2 और सी की वैल्यू हो गई, इसको अपन कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है, माइनस 8 हो गई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, माइनस बी के जगह पे अब क्या पुट करोगे बेटा, ये माइनस 2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 2 और ए के जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 माइनस 2 क्या होता है बेटा, 2, है ना, तो 2 बाई 2, तो ये आ गया, सेम आ गई, इसकी भी वैल्यू सेम आ गई और इसकी भी, अल्फा प्लस बीटा की और माइनस बी बाई ए की। अब अपने को क्या फाइंड करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास है कितनी है, 4 है, इनटू बीटा की वैल्यू माइनस 2 है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस 8 है। ठीक है, माइनस 8 और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 4 टू जा कितना होता है बेटा, 8 होता है। ठीक है, और माइनस 8 इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 1 इसकी वैल्यू होगी। तो सारी क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस टाइप से फाइंड करना है।